हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंदिका पामटा और आज मैं आपको युवा संस्था द्वारा चलाई गई मुहिम हिमाचल आओ के अंतर्गत हिमाचल के टूरिज्म के बारे में कुछ बताऊंगी। तो हिमाचल का टूरिज्म हमारे स्टेट की जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से लाहौल स्पीति इको टूरिज्म और एडवेंचर के क्षेत्र में कुल्लू चंबा लाहौल स्पीति, कल्चर और हेरिटेज के क्षेत्र में कुल्लू शिमला कांगड़ा व लाहौल स्पीति, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में कांगड़ा और फिल्म टूरिज्म के क्षेत्र में शिमला व कुल्लू सबसे ज्यादा वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ के परिधान यहाँ के लोगों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। महिलाएं ज्यादातर धातु सजरी, गांची और रेशा पहनती हैं और पुरुष लुइया, सुथन और टोपी पहनते हैं। अगर आप शिमला के किसी फंक्शन में आ रहे हैं और वहाँ नाटी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आते हैं तो यहाँ की लाइब्रेरी का टूर जरूर करें, क्योंकि ये लाइब्रेरी आर्यभट्ट के मॉडल पे बनी है और अंदर से देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन अगर आप मेन शिमला से बाहर जाके कहीं घूमना चाहते हैं और यहाँ के मंदिर का आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं तो सराह मंदिर और चूड़धार आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि चूड़धार काफी अच्छा ट्रैक है और यहाँ पे आप चिट्ठी भगवान के दर्शन करें। अगर आप इन खूबसूरत वादियों का हमेशा आनंद लेना चाहते हैं तो ये बात सुनिश्चित करें कि जब भी आप हिमाचल आए तो यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाएं और यहाँ की सुंदरता को बनाए रखने में हम सबका सहयोग करें।